दोस्तों इस रिमोट कार की बैटरी 2 मिनट में डिस्चार्ज हो रही थी, तो चलो आज हम इसे करेंगे अपग्रेड। इसके लिए इसकी पुरानी बैटरी को निकाल देते हैं। अब कार के स्क्रू को निकाल के इसे ओपन करते हैं। अब चार्जिंग सॉकेट लगाने के लिए इसमें एक होल कर देते हैं और इस होल में चार्जिंग सॉकेट लगा देते हैं। ये है एक चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल जो हमारी बैटरी को चार्ज और प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ ये लिथियम आयन बैटरी हम सोल्डर कर देते हैं और बाकी कनेक्शन अच्छे से कर देते हैं। अब इसे रिमोट से हम टेस्ट करेंगे और ये अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अब बाकी कवर भी लगा देते हैं और मोबाइल चार्जर से इसे थोड़ा चार्ज करते हैं। अब कार का स्विच ऑन करेंगे और रिमोट से इसे चला के देखेंगे और ये काफी अच्छी तरह चल रहा है और ये कम से कम 1 घंटे का बैकअप आपको दे देगा।